माय डियर्स, आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइड्रोलिसिस। आज हम हाइड्रोलिसिस को देख रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कंडेंसेशन को देखा, उससे पिछले लेक्चर्स में हमने मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल, मोनोमर्स, पॉलीमर्स को डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइड्रोलिसिस। देखें, हाइड्रोलिसिस रिवर्स है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या था? कंडेंसेशन ये था कि जब हम दो मोनोमर्स या दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और वो दो मोनोमर्स या दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है माय डियर्स, आज हाइड्रोलिसिस के टॉपिक में हम ये स्टडी करें कि हाइड्रोलिसिस जो है कंडेंसेशन का रिवर्स है। देखिए, कंडेंसेशन में वाटर जो है रिलीज होता है, बाहर निकलता है। हाइड्रोलिसिस में आप वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और उसमें जब वो उसका वाटर का हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, वाटर का OH दूसरे मोनोमर्स यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। यानी आप ये कह सकते हैं कि कंडेंसेशन इज अ रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। यानी कंडेंसेशन में वाटर रिलीज होता है और हाइड्रोलिसिस में वाटर हेड होता है। यानी वाटर के जरिए आप किसी चीज की, किसी मॉलिक्यूल की लाइसिस करवा रहे हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है माय डियर्स, यहाँ पे मैं आपको रीड करवाऊंगा। देखिए, द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। यानी वाटर के जरिए किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करना, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन का क्या मतलब? अभी जिस तरह मैंने आपसे बात की कि कंडेंसेशन में जो है आप वाटर को, वाटर रिलीज होता है और हाइड्रोलिसिस में आप वाटर हेड करते हैं और किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर मैंने आपको समझाया, जब कुछ मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होंगे, जब कुछ मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर, यानी बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे एनोड्स में कन्वर्ट कर लेना। जैसे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसमें अगर आप वाटर हेड करते हैं तो वो एमिनो एसिड में यानी मोनोमर्स में ब्रेक डाउन होगा बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ये मैंने मिसाल दी, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह लिपिड है, पॉलीमर है, इसमें अगर आप वाटर हेड करेंगे, ठीक है, तो वो मोनोमर्स में यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ब्रेक डाउन होगी। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड है, उसमें अगर आप वाटर हेड करेंगे तो पॉलीमर है और वो जब मोनोमर्स में या न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के दौरान OH ग्रुप फ्रॉम वाटर इज अटैच्ड टू वन मोनोमर। OH ग्रुप जो वाटर का है वो एक मोनोमर के साथ, H ग्रुप दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है माय डियर्स, जब हाइड्रोलिसिस में वाटर का OH एक के साथ H दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके, ठीक है, तो इस तरह पॉलीमर की ब्रेक डाउन हो जाती है। अभी मैं अगर आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ माय डियर्स, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। यानी किसी चीज के अंदर आप वाटर हेड कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर आप वाटर हेड कर रहे हैं और उसकी ब्रेक डाउन किसी छोटे मॉलिक्यूल्स में कर रहे हैं। सपोज प्रोटीन है, मैंने उसके अंदर वाटर हेड कर दिया, उसको मैंने एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया। लिपिड है, उसमें मैंने वाटर हेड कर दिया, उसको मैंने फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह चलते जाए तो न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जितनी भी डाइजेशन की रिएक्शंस है, ठीक है, हमारे बुक के अंदर लिखा है, ऑल डाइजेशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यानी हमारे स्टमक के अंदर या हमारे हॉरल कैविटी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, डाइजेशन रिएक्शंस, तो ये सारे हाइड्रोलिसिस
के एग्जांपल्स है, विच इज कंट्रोल बाय द एंजाइम, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएजेस, लाइपेसिस, न्यूक्लियोजेस, ठीक है, ये एग्जांपल आपने रीड करना है। तो माय डियर्स, आज हमने ये देखा कि एटोलिसिस क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी किसी भी पॉलीमर को वाटर के एडिशन से अगर आप उसकी ब्रेकडाउन करें तो देट इज नोन एज एटोलिसिस, और तमाम डाइजेशन रिएक्शन जो है एटोलिसिस की एग्जांपल है। फिर हमने ये देखा कि इसको एक स्पेसिफिक एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएजेस, लाइपेसिस, न्यूक्लियोजेस, तो ये आपने याद रखना है। और फिर हमने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी की कि एटोलिसिस जो है कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कंडेंसेशन में आप वाटर बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, एटोलिसिस में आप वाटर हेड कर रहे हो। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।